केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पटना आ रहे हैं और चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर और जदयू भाजपा के संबंधों को लेकर आज फैसला होगा। हालांकि संबंध काफी अच्छे हैं और बीच में खराब भी हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि उन दोनों के बीच के रिश्ते कैसे हैं। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री ने कह भी दिया है कि पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है वो भाजपा और जदयू के बीच है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर आज फैसला आने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंच रहे हैं और जो समय है आज 3:30 बजे के आसपास वो पटना पहुंच जाएंगे, लेकिन इसमें बड़ा झमेला ये हो जाएगा कि आरसीपी सिंह भी बिहार में हैं और आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल से अब आउट होने वाले हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की सक्रियता जदयू में बड़ी है, वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ललन सिंह ने प्रधानमंत्री से जिस प्रकार से मुलाकात की है तो चर्चाओं का बाजार गर्म है। और चर्चा यह भी है कि आरसीपी के साइड होते ललन सिंह मंत्री बन जाएंगे। ललन सिंह ने मंत्रिमंडल को लेकर दबाव बनाया भी होगा तो आज धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार के साथ बैठक करेंगे, नीतीश से मुलाकात होगी, राष्ट्रपति चुनाव पर बात होगी और मंत्रिमंडल पर भी बातचीत होगी। इस बातचीत में स्पष्ट किया जाएगा कि नीतीश मंत्रिमंडल में भाजपा के कई नेता बढ़ेंगे, कई नेता घटेंगे, वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो सकता है आने वाले दिनों में 24 के चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से विस्तार हो तो जनता दल यूनाइटेड के दो नेताओं की लॉटरी लगे और जिसमें ललन सिंह की जो चांसेस हैं वो सबसे ऊपर हैं। अब आरसीपी के भविष्य पर फैसला कैसे करेंगे, तो आरसीपी सिंह राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं और आने वाले दिनों में उनका मंत्रालय उनसे छीन जाएगा, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जदयू कोटे से किसी भी जदयू नेता को मंत्री बनाने की बात कहेगी या मंत्री बनाया जाएगा। हो सकता है ललन सिंह के अलावा कोई और भी मंत्री बन जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार से मुलाकात में सब कुछ स्पष्ट होगा कि कहीं ना कहीं पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की थी वो गलती नहीं करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो गलतियां उनसे हुई उनको सुधारा जाए। ये गलतियां कौन सी थी, तो कहीं ना कहीं नीतीश 2 सीटों की मांग कर रहे थे और 1 सीट पर आरसीपी सिंह ने तय कर दिया, तो नीतीश की नाराजगी साफ तौर पे सामने आई थी। ऐसे में आज धर्मेंद्र प्रधान नीतीश के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं और इसके साथ ही बिहार के राजनीति में जो उठापटक की स्थिति है उसको एक बार फिर से बराबर करने की कोशिश की जाएगी। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ को लेकर भी नीतीश कुमार से बातचीत हो सकती है और कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने को लेकर और केंद्रीय मंत्रिमंडल से आरसीपी को आउट और ललन की एंट्री को लेकर भी बातचीत हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।